मेरा नाम रमेश कुमार है। हाँ जी, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ का गार्ड हूँ। आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में? इसकी हिस्ट्री के बारे में ये कहते हैं कि ये राजा अरजीत सिंह की हवेली कहलाती थी, महल था उनका। उनके जाने के बाद उनके पोते थे नौनिहाल सिंह, उन्होंने तामीर कराई, उन्होंने बनाई। उनके जाने के बाद ये इसको स्कूल बने को तकरीबन 100 साल हो गए। मुकम्मल बिल्डिंग जो तामीर हुई है इसको कहते हैं कोई 195 साल हो गए। जी, तो उसके बाद से ये उनकी वफात के बाद से ये स्कूल बना? हाँ जी, जब पार्टीशन हुआ है उससे पहले का स्कूल था। पार्टीशन होने के बाद भी स्कूल रहा है लड़कियों, गवर्नमेंट विक्टोरिया गर्ल हाई स्कूल कहलाता था। उसके बाद ये इसको कोई 25-30 साल हो गए, इधर कॉलेज बना है 12वीं तक बच्चे। राजा अरजीत सिंह का खास कमरा कहलाता है और ये तमाम शीशों के साथ बना हुआ है। और ये तस्वीरें आप इसके अंदर जो देख रहे हैं ये राधा और कृष्ण जी की हैं। राधा कृष्ण जी की तस्वीरें हैं और ये पूरी उनकी रासलीला कहलाती है। और ये एक खसूसी खास कमरा है, ये इसलिए है कि बाहर से जो लोग आते थे, जैसे गैर मुल्क नेपाल हो गया और जो हिंदू कंट्रियाँ थी वहाँ से उनके जो लोग आते थे उस टाइम से, के लिए खास उनकी रिहायशगाह बनाई गई थी। स्कूल है, इसके नीचे सुरंग एक जारी है, ये तहखाना कहलाता है शुरू से ही। और ये इसके नीचे ये सुरंग जा है जो कि शाही किले की तरफ जा रही है। शाही किले में उस टाइम पे ये कहते हैं कि यहाँ से राजा महाराजा जो थे वो यहाँ से गुजर के शाही किले जाया करते थे और उधर से ही ये लोग वापस इधर आया करते।